आशा है कि स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम अज्ञान्तिभिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषनिवासी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयविचा भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्दस्य अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। सो आज का हमारा चर्चा का विषय है डीलिंग विद टॉक्सिक एंड नेगेटिव पीपल। जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, हमें गिराने का प्रयास करते रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम उनसे ज़्यादा दूर नहीं हो सकते, तो उनके बीच में रहते हुए कैसे हम आगे बढ़। प्रभु जी, कोई इशू हो तो चैट प्रभु बॉक्स जी में बता आपका सकते हैं, थोड़ा एडिट कर सकते एक हैं, है ना। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग इसमें पहले एग्जाम्पल से देखेंगे, केस स्टडी से देखेंगे, केस स्टडी से देखेंगे कि कैसे रामायण का जो सेंट्रल थीम है वो इससे किस तरीके से अफेक्ट हुआ इस प्रॉब्लम से, है ना। तो ये रामचरित मानस का एक चैप्टर है जिसमें आपकी साउंड बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपका आप जिस माइक में अभी अभी जिस कैमरा में अभी कृष्णा ऑन है वो अभी माइक ऑन स्लो है नहीं क्या? है। अनम्यूट करके बोल सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी साउंड हरे लाउड है कि कृष्णा, नहीं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप जिस माइक में जिस कैमरा में ऑन है उसमें माइक ऑन नहीं है उसमें। अभी आपका साउंड बहुत साउंड क्लियर है कि नहीं? अभी म्यूट म्यूट है प्रभु जी। ओके, सब लोग को म्यूट करके रखा हुआ है क्या? अनम्यूट कर दो सेंसो, नहीं तो लोग बता। हाँ, अभी साउंड ब्रेक हो रहा है। वन मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, अभी सबको अनम्यूट कर दिया गया है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। सो ट्राई, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, इज इट ओके नाउ? सेंसु, आप ही बता दो। इतना अच्छा से शोभा ही नहीं दे रहा गुरु जी। हरे कृष्णा स्वयं शिव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अभी ठीक है, अभी आया। ओके, हाँ तो फीडबैक जल्दी से बताओ साउंड का, फिर आगे बढ़ते हैं। इज इट ओके प्रभु जी? मेरी बहुत ज्यादा अभी। हरे कृष्णा, आ रही आ रही आ रही। ठीक है ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था कि आप प्रभु जी आप जिस कैमरा में ऑन थे ना उसमें एक्चुअली वॉइस नहीं था, उसमें आपने वॉइस को म्यूट कर वॉइस। हां, वो ईयरफोन काम नहीं कर रहा था कैमरा में, आप ऑन है पता नहीं। आई नो, बट सडनली वो लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। वो मैं बाद में देखूंगा क्या प्रॉब्लम है। ये क्या हर बार हम लोग नया नया लैपटॉप यूज करते हैं ना, किसी और का किसी और का किसी और स्टूडेंट का, तो हमेशा ये प्रॉब्लम कभी हो जाता है। एनीवे, सो लेट्स सी। तो हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम फेस हुई रामायण में, है ना। तो रामायण में कुल मिला के 7 कांड है, तो उसमें से बाल कांड सब अच्छा खासा चलता है, कोई ज्यादा ट्रेजेडी नहीं है। क्योंकि वैसे रामायण में ट्रेजेडी बहुत ज्यादा है, पैथोस। रामायण में खुशी के पल कम है, दुख के पल ज्यादा है ना। तो ये जो अयोध्या कांड जो शुरू होता है, भगवान राम विवाह करके जब निकलते हैं वहां से अयोध्या कांड शुरू होता है। तो यहाँ पर भगवान राम का
यहाँ आने के पश्चात किसी को पता है कि भगवान राम की एज कितनी थी जब उनका विवाह हुआ? भगवान राम की एज कितनी थी? 16 इयर्स है। हाँ 16 इयर्स, 16 साल एज थी भगवान राम की, है ना। और यहाँ जब वो आए अयोध्या में शादी के बाद, तो करीब 12 साल और 13 साल चल रहा था। तब तक सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, उसका ज्यादा कुछ वर्णन नहीं है, बट इट वॉज गुड टाइम। उसके बाद जो है राजा दशरथ, जैसे रामचरितमानस में तो ऐसा वर्णन है कि उन्होंने अपना सफेद बाल देखा, कहने का मतलब उनकी एज बढ़ रही थी, तो उन्होंने सोचा, पहले से सबकी इच्छा थी कि राम को राजा घोषित कर दिया जाए, उनका राज तिलक हो जाए, तो उन्होंने इसका अनाउंसमेंट कर दिया और अगले दिन जो है उनका राज तिलक होना था, ताजपोशी होनी थी। तो ये यहाँ पर मंथरा की एंट्री होती है रामायण में, तो वहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। तो ये कैकई की एक दासी थी, है ना, चेरी थी, चेरी मतलब दासी थी, उसका नाम था मंथरा। तो कैकई जो कि भरत की माँ है, जो तीन प्रमुख रानियों में से एक है, इनका जो मायका था उसको बोलते हैं केक प्रदेश। तो केक प्रदेश ऐसा माना जाता है कि आज का जो अफगानिस्तान बलूचिस्तान का एरिया है वहां से शुरू होता था, वहां पे बहुत सारे उस जमाने में मोर वगैरह थे। तो केक, वैसे पीकॉक को भी केक बोलते हैं, केका, क्योंकि पीकॉक ऐसे बोलते हैं ना, केका ऐसे आवाज करती। तो उस प्रदेश की ये राजकुमारी थी और इनका विवाह हुआ था दशरथ के साथ। सो उनके पुत्र भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, यानी केक प्रदेश गए हुए थे। तो वहां पर उनका इस समय अयोध्या में परिस्थिति, उनकी प्रेजेंस नहीं थी। तो मंथरा देखती है कि दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूजसी लोगन काहु, राम तिलक सुनी भा उरदाहु। तो राम ने देखा, मंथरा ने देखा कि अयोध्या में बहुत चहल पहल है, बहुत सजावट हो रही है, लोग बड़े उत्साहित हैं। तो किसी से उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्यों इतना उत्साह हो रहा है? तो लोगों ने बताया कि कल रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है और उसी तिलक की तैयारी में सब लोग लगे हैं, बड़े आनंद के साथ सब खुशी खुशी इसमें लगे हुए हैं। क्योंकि जो कुलगुरु थे वशिष्ठ, उन्होंने कहा था कि कल का जो समय है, जो लग्न है, वो बहुत ही शुभ है, ऐसा लग्न कई सैकड़ों सालों में आता है। तो फिर दशरथ ने सोचा कि ठीक है, कल ही कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ ज्यादा इसमें विचार नहीं किया कि चलो अब कल आ गया तो कल ही कर देते, तो तुरंत तैयारियां शुरू हो गई। तो ये बात सोच के जो है मंथरा, उसको बहुत धक्का लगा, उसको बहुत इस बात में, उससे बहुत उसको दुख हुआ। क्यों हुआ हम लोग आगे सुनाएंगे। तो भरत मातु पही कर बिखलाई, का अनमनी हसी कह हसी रानी, उतरु देह ना लेह उसासु, नारी चरित करे ढा रही आंसू। तो वो माता कैकई के पास गई, तो कैकई को पता नहीं था, उनको वो बात नहीं पहुंची थी उन तक। तो मंथरा जो है उनके पास तक पहुंच गई, रोते रोते बहुत दुख में पहुंची। तो माता कैकई ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों? तो कई बार जो है ऐसा दिखाया जाता है कि मंथरा की एज बहुत ज्यादा दिखाई जाती है, बल्कि ऐसा है नहीं। मंथरा जो है अपने युवा काल में कैकई के साथ अयोध्या से आई थी, है ना। वो उनके, जैसे लोग दहेज वगैरह होता है, कोई गिफ्ट होता है जो लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं। अभी तो बड़े बड़े राजघराने वाले लोग हैं, तो ये लोग बड़े बड़े छत्रियों की जब शादी होती थी तो राजा अपनी कन्या के साथ बहुत सारे दास दासियां हाथी वाती क्या क्या भेजते थे। तो ऐसे ही उस एंटोरेज में, उस जो बड़ा सा जो उनका दल आया था, उसमें ये मंथरा भी थी। और मंथरा कैकई के इतने सालों से धीरे धीरे क्लोज हो गई, तो काफी समय से उसकी पर्सनल सर्वेंट। तो मंथरा को उदास देख के कैकई ने पूछा कि क्या बात है,
क्यों तुम इतना परेशान हो? तो मंथरा जो है मंथरा को टॉन्ट करते हुए केकई बोलती है कि लगता है दीन ही लखन सिख असमन मोरे, मुझे ऐसा लगता है कि लखन ने यानी लक्ष्मण ने तुम्हें फिर से सीख दी है कुछ, फिर तुम्हें दंड दिया है। तो इससे क्या समझ में आता है, यानी लक्ष्मण जो है बीच बीच में मंथरा कुछ ऐसी हरकतें करती होंगी, ऐसे कुछ काम करती होगी जिस कारण से लक्ष्मण उनको बीच बीच में डांटते होंगे, है ना, उनको कभी कभी दंड कुछ दिया होगा। तो पहले से ही लक्ष्मण के प्रति उतना जो है मंथरा का भाव उतना अच्छा नहीं था, कि पहले से बहुत दंड मिला है, है ना, लेकिन अब कुछ कर तो सकती नहीं थी, वो तो राजकुमार होने वाले राजा है और कुछ जस्टिफाइड रीजन होगा, कुछ कारण होगा, तभी तो उन्होंने दंड दिया है, बिना मतलब तो देंगे नहीं। तो आज माता केकई फिर से पूछ रही है कि क्यों इतनी उदास हो, लगता है कि लक्ष्मण ने फिर तुम्हें कुछ बोल दिया है, फिर ऐसी कुछ घटना हो गई है क्या? तो तब उस समय वो कुछ उस बात पे बोली नहीं, कुछ उत्तर नहीं दिया और लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जैसे कि मानो कोई नागिन फुफकार करती है ना, कोई अगर नागिन है, अगर वो नागिन मतलब कोबरा जो होता है, कोबरा स्नेक, फीमेल कोबरा, अगर वो डसने से पहले जिस तरीके से चलता फिरता है, वहां दिखाता है अपना, है ना, फन दिखाता है और आवाज करता है ना, कि कभी भी डस देगा, तो ऐसे ही मंथरा भी इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी। बड़ा अजीब लगा केकई को, कैसा क्यों हो रहा है। तो तब रानी ने सोचा कि जरूर कोई सीरियस बात है, कुछ हुआ है, तो मजाक छोड़ के वो थोड़ा सीरियस तरीके से बात करने लगी, पूछी, है ना, रानी ने डर डर के बोला कि क्या हुआ, क्या हमारे सबका सकुशल तो है? तो सबका उन्होंने कुशल पूछा, तुम्हें कोई बुरी न्यूज है या कुछ गड़बड़ हुई है, कोई सैड न्यूज है, तभी तो व्यक्ति इस तरीके के रिएक्शन देगा। तो कहके डर गई कि कहीं हमारे यहाँ किसी का कुछ हुआ तो नहीं है, कोई खबर तो नहीं मिली है, तो उन्होंने कुशल पूछा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट, अच्छा यहाँ पे वर्णन है तुलसीदास जी का, कि कुशल तो उन्होंने पूछा, पर किस ऑर्डर में पूछा, सबसे पहले राम, सबसे पहले राम का कुशल पूछा कि मेरा राम तो ठीक है, है ना, अपने खुद के पुत्र भरत का भी नहीं पूछा, अपने पति दशरथ का भी पहले कुशल नहीं पूछा, पहले राम का पूछा। तो इससे सिद्ध होता है कि माता केकई का राम के प्रति कितना प्रेम था, है ना, और ये जो है राम को इतने प्रेम करने वाली केकई भी कल में भेज दिया, ये है असत संघ की शक्ति। अगर हम अपने मन को नियंत्रण ना करें, अगर हम गलत संघ से ना बचें, तो अगर हम केकई जैसे महान भक्त भी हो तो भी हमारा ही दुर्गति हो सकती है, हम राम विरोधी बन सकते हैं। कितनी शक्तिशाली माया है भगवान की, इससे ये सीखने को मिलता है कि केकई जो अपने पुत्र से ज्यादा राम का पहले कुशल पूछ रही है, अपने पति से पहले अपने सौतेले पुत्र राम का पूछ रही है, कितना राम से उनका स्वच्छंद प्रेम है, नेचुरल लव है, वो भी अब इस कन्वर्सेशन के बाद ऐसी मती मारी मंथरा ने कि वही केकई अब राम की दुश्मन बनने वाली है। तो कितनी शक्तिशाली माया है, माया से कभी उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी से जब इस्कॉन आंदोलन बहुत आगे बढ़ गया, सारे दुनिया में मंदिर बन गए, तो उन्होंने पूछा आपको किस चीज की चिंता है, तो प्रभुपाद जी ने कहा मुझे एक बात की चिंता है कि मेरे शिष्य जो हैं वो, उन्होंने अंग्रेजी में बोला, दे आर नॉट सफिशियंटली अफ्रेड ऑफ माया, मतलब माया से जितना डरना चाहिए उतने डरते नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग क्या डर के रहे माया माया, इसका मतलब है हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। भगवान ने तो कहा है कि मम माया दुरत्या, मेरी माया से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन मावे भी ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आता है वो संसार की नेगेटिविटी, हमारे इमोशंस से और दुनिया के जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं उसको वो जीत लेगा जो मेरी शरण में आता है। लेकिन हमको कभी भी डू नॉट लेट द गार्ड डाउन, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, कभी भी बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना, हमें ये नहीं सुनना चाहिए हाँ हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो अच्छे संग में है, या लाइफ सेट है, नौकरी मिल गई, छोकरी मिल गई, सब कुछ सेट। कभी भी लाइफ सेट नहीं होती, कभी भी उसमें एक क्षण लगेगा लाइफ को अपना नेचर दिखाने में, है ना। तो वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल, कभी भी हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए
स्पिरिचुअल लाइफ को। तो यहाँ पर राम का पहले नाम लिया, फिर पूछा महीपालू, महीपाल मतलब जो जनता को पालते हैं ये राजा। तो पहले राम की कुशल पूछी कि मेरा राम तो ठीक है ना, फिर हमारे राजा दशरथ तो ठीक है ना, फिर पूछी लखन की, लक्ष्मण कैसे हैं, भरत कैसे हैं, है ना, शत्रुघ्न इत्यादि सब ठीक तो हैं। सबकी उन्होंने बात पूछी कि सब ठीक ठाक है, तुम इतनी चिंता में क्यों हो। तो ये सब सुन के जो कुबरी मंथरा है उसका हृदय और भी पीड़ित हो गया। तो यहां पर मंथरा को कुबरी बताया जा रहा है ना, तो हंच बैक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी जिनकी पीठ तिरछी हो जाती है, अक्सर वृद्ध आयु में कुछ लोग ऐसी हो जाती है, उनको कुबरा बोलते हैं, है ना, कुबरी बोलते हैं हिंदी में। उड़िया में क्या बोलते हैं पता है, किसी को पता है उड़िया में क्या बोलते हैं? हंच बैक बोलते हैं इंग्लिश में। समझ गए ना, मतलब जो तिरछी जैसे वृद्ध लोगों का कभी होता है, तो यानी वो दिखने में जिसको ये हो जाता है रोग, ये जिसकी शारीरिक समस्या होती है कुबर हो जाते हैं, उनका शरीर की सुंदरता नहीं मानी जाती है, मतलब शेप बिगड़ जाता है ना, तिरछे हो गए। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि ना केवल मंत्रा की शक्ल सूरत खराब थी बल्कि उसका मन भी बड़ा खराब था। तो आगे बोल रहे हैं कि तब मंत्रा जो है क्रोधित होकर बोलने लगी कि मुझे कोई क्या सीख देगा, और तुमने राम का जो कुशल पूछा है, राम ही छाड़ी कुशल के ही वाजू, मुझे बताओ आज के दिन में, आज के डेट में राम के अलावा और कौन कुशल मंगल में है। तो इसको हम दो दो तरीके से देख सकते हैं, यानी एक तो आज राम बहुत कुशल मंगल में है, राम सबसे ज्यादा कुशल मंगल में है, और दूसरा आज के बाद राम ही केवल कुशल मंगल में रहेंगे, बाकी हम लोग नहीं रहने वाले, हमारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। क्यों? उनको युवराज बनाया जा रहा है, उनको युवराज पद दिया जा रहा है ऑफिशियली, तो आपकी सरकार जा रही है और राम की सरकार आ रही है ना, ये बताने का प्रयास किया। तो ये बात उन्होंने बताई। अब देखो होता क्या है, जो व्यक्ति मैनुपुलेटिव है, हम लोग हमारा आज का टॉपिक है कि मैनुपुलेटिव लोग जो है, जो बहुत टॉक्सिक है, उनसे कैसे बचा जाए। तो जो अच्छा मैनुपुलेटिव लोग होगा ना, जो बहुत डिप्लोमेटिक है, जिसको बहुत दूसरे के इमोशंस को छेड़ना आता है, वो डायरेक्ट आपको हिट नहीं करेगा, वो आपकी कमजोरी ढूंढेगा, है ना, और जब आपके कैरेक्टर से, आपके लाइफ से जब कमजोरी मिल जाएगी, उस दुखती नस को वो पकड़ेगा, जैसे हिंदी में कहते हैं दुखती नस को पकड़ना। तो यहां मंथरा जानती है कि कैकेयी को वो राम के विरुद्ध नहीं कर सकती, वो कितना भी बोले अरे राम ऐसा है, वो भरत का ध्यान नहीं रखेगा, तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, कभी कैकेयी नहीं मानेगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस लव है। लेकिन एक स्त्री का जो वीक पॉइंट होता है, स्त्री अपना पति किसके साथ शेयर नहीं कर सकती, नहीं करना चाहती, नेचुरल भी है बात। तो चाहे कितना भी सौतेली जो सौतन होती है, क्या बोलते हैं सौतन को इंग्लिश में, मतलब स्टेफ वाइफ भी कोई वर्ड होता है क्या, आई डोंट नो, मतलब हिंदी में तो सौतन, सॉरी क्या बोलते हैं, वाइफ इन लॉ, अच्छा पता नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा वर्ड, हो सकता है मेबी, चलो जो भी है आप लोग समझ गए, सौतन और ओडिया वाले भी समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। तो जो सौतन है, सौतन को भले ही वो बहनों की तरह रह रही हो, कुछ भी हो, फिर भी हर एक स्त्री का रहता है कि मैं अपने पति का ज्यादा अटेंशन पाऊं, मेरे पति मुझे ज्यादा प्रेम करे, है ना, या मेरा ज्यादा ध्यान रखे, मैं उनकी फेवरेट हूं। तो अभी तक ये बात पूरी दशरथ की सारी रानियों में कैकेयी सबसे प्रिय है दशरथ की, क्योंकि तीनों मुख्य रानियों में तो वो छोटी भी थी, और दूसरा ये है कि एक प्रकार से उनके जवानी में उन लोगों ने बहुत एडवेंचर किए, बहुत घूमे फिरे थे, उनको भी मृत्यु से बचाया था, है ना, और शायद दिखती भी बहुत सुंदर होंगी, एक अनुमान ये लगाया जा सकता है। तो बहुत उनकी फेवरेट थी वो, तो यानी कि उनका फेवरेट जो स्टेटस क्यों है, उनका जो ये स्टैंडर्ड है कि मैं दशरथ की बेस्ट वाइफ हूँ, तो सबसे फेवरेट वाइफ हूँ, वो स्टेटस नहीं जाना चाहिए। थैंक यू राधा माता जी, को वाइफ इंग्लिश में बोलते हैं, को वाइफ सौतन को, है ना। तो उनकी सौतन की अगर मैं पढ़ाई करूं, मंत्रा ने सोचा
अगर मैं उनकी सौतन की बड़ाई करूं, मैं अगर केके को ये बोलूं कि तुम्हारी जो सौतन है कौशल्या, उसने अपने पुत्र को आगे करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा है, तो केके को ये बात हिट कर जाएगी और वो हो भी गया है ना। तो मैनिपुलेटिव जो लोग हैं वो आपकी कमजोरी को जांचेंगे है ना। इसलिए कहते हैं कि अपने जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, अपनी पर्सनल बातें हैं, फैमिली की बातें हैं, इतनी आसानी से किसी को ज्यादा बताना नहीं चाहिए है ना। धीरे धीरे व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए और वो व्यक्ति कितना क्वालिफाइड है। आप बोल सकते हैं अरे कैके ने तो धीरे धीरे ही मंथरा को बताया, इतने सालों से वो साथ में है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंथरा का क्वालिफिकेशन, उसकी जो नेचर है वो कोई बहुत अच्छा नेचर नहीं है। ये बात जानती थी केकई, लेकिन उस बात को सीरियसली ले लिया, इसलिए उनको बहुत भारी पड़ेगा बाद में। तो एनीवे, तो हम आगे देखते हैं। तो मंथरा बोल रही है कि आज तो विधाता जो है कौशल्या पे बहुत कृपा कर रहे हैं, और आगे कहती है कि तुम्हारा पुत्र परदेश में है। तुमने ये बात सोची, मतलब वो क्या कहना चाह रही है कि चलो राम राजा बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, हम सबका राम प्रिय है, हम सब जानते हैं राम बहुत बहुत अच्छा लड़का है हम हाँ। लेकिन बताओ अगर राम का तिलक भी करना है, ताजपोशी भी करनी है, तो उसी समय क्यों करना है जब तुम्हारा पुत्र यहाँ पे नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वो तुम्हारे पुत्र को इस सेलिब्रेशन में, इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहते, उनको तुम्हारे पुत्र पे यकीन नहीं है, या वो तुम्हारे पुत्र को साइडलाइन करना चाहते हैं। तो ये कौशल्या की चाल है। नहीं तो तुम बताओ अपने भाई के विदेश में होते हुए इतनी जल्दबाजी क्या है, क्यों कर रहे हैं है ना। और फिर क्या होगी अब इस बात में, तो यहां पर देखिए ये राजा दशरथ की भी गलती हो गई कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। तो कई बार हम रिश्तों में क्या होता है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये बोलने की जरूरत क्या है, वो तो मेरा अपना है, वो तो मेरी अपनी है, वो समझ जाएगी, और प्रायः हो भी जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि ओवर कम्युनिकेशन इज बेटर देन अंडर कम्युनिकेशन। कभी कभी जब हमको पता है कि हाँ ये ऑब्वियस बात है, फिर भी बोल देना चाहिए, क्योंकि देखिए खासकर अब कलयुग में रिश्ते बहुत सेंसिटिव हैं है ना, और झूठ का पिटारा सारे दुनिया में फैला हुआ है। AI का जमाना है, कोई आपका नकली वीडियो बना दे, ऑडियो बना दे, क्या कर दे पता नहीं। तो इसलिए बेटर है कि आपकी जो भावनाएं हैं जो, और जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने अपनों को देनी है, अपने लव्ड वंस को देनी है, वो देते रहे। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को मिर्च मसाला लगा के किसी और तरीके से प्रेजेंट कर दे। तो दशरथ क्या है, ऐसा नहीं था कि वो केके से छुपाना चाहते थे, लेकिन वो अपने कामों में बिजी हो गए। एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है तो बहुत काम होंगे, तो इस सोच के वो लग गए। उन्होंने सोचा कि खबर पता चल भी जाएगी केके को, सुभद्रा को, इत्यादि को, तो वो लोग खुशी होंगी, उन्होंने अज्यूम किया है ना। लेकिन वो अजम्पशन भारी पड़ गया। अगर वो डायरेक्ट बोल देते तो यहाँ मंथरा की चाल खत्म हो जाती, ये गेम ही खत्म हो जाता यहाँ पे। लेकिन अब ये तो होना ही था देवताओं की। याद रखे मंथरा इतना अच्छी बात कैसे बोल पा रही है, इतना बुद्धि उसके अंदर कहां से आई। ये देवताओं ने रिक्वेस्ट किया है माता सरस्वती को कि आप मंथरा की बुद्धि में चले जाइए और मंथरा की बुद्धि फेर दीजिए, ताकि अरे आप बोलोगे अरे देवता ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, देवता राम का अच्छा खासा परिवार क्यों खराब कर रहे हैं। क्योंकि अगर राम आराम से रहेंगे अयोध्या में तो वहां असुरों को कौन मारेगा, रावण का वध कैसे होगा। तो भगवान राम आए हैं रावण को मारने के लिए, तो इसलिए जरूरी है कि राम को अयोध्या से निकाला जाए। इसलिए जो है ये सब जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट के लोग हैं, बड़ी सरकार जो है इंद्रादि देवता, वो सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनका वनवास हो, जल्दी जल्दी यहां से निकले, तो वो ये सब कार्य कर रहे हैं। एनीवे, तो ये उन्होंने बात बोली जो पहला पॉइंट जो इनको हिट करवाया कि कौशल्या के ही चयन है, कैसे, क्योंकि तुम्हारा पुत्र यहां पे नहीं है लेकिन तुम्हारा ये कर रही है। फिर दूसरा कि तुम सोचती हो कि तुम्हारा जो पति है वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, राजा तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम उसकी चतुराई को नहीं जानती। बोले अच्छा कैसे, तो बोली कि तो ये सब बात उनको बोलने लगी। लेकिन अभी तक कहीं जो है बहुत ज्यादा सीरियसली उसको नहीं ले रही थी, अभी भी मुस्कुरा रही थी। तो फिर मंथरा के अभी तक बात जो है ज्यादा दिल तक गई नहीं, अभी तक मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है ना। तो केके ने क्या उत्तर दिया ये सब बोल के है ना, कि प्रिय वादिनी, मंथरा को बोल रही है प्रिय वादिनी है ना, कि सुंदर वचन बोलने वाला, आज मेरे लिए बहुत ही सुदिनु सुमंगल दायुक सोई, तुमने बहुत ही सुमंगल, बहुत ही शुभ समाचार मुझको सुनाया है।
तो मैं बड़ी खुश हुई कि मेरे राम का राज्य तिलक होने वाला है, ये सुनके तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आगे समझाती है कैसे, बोली जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक की तरह होता है। मेरे मेरा जो भरत है राम उनके बड़े भाई हैं, तो वो तो उनके स्वामी बनेंगे ही, और मेरा भरत उनका छोटा भाई है तो वो तो सेवक बनेगा ही, ये तो साधारण सी बात है, इसमें कौन सी तुम बहुत बड़ी बात हो गई है ना। यह दिनकर कुल रीति सुहाई, ये दिनकर की यानी कि सूर्य कुल की जो है सूर्य वंश की यही रीति है, ये तो पहले से चला आ रहा है ना। तो अगर तुमने ये जो खबर सुनाई है कि कल राज का राम का राज्य तिलक है, ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूं, और मुझसे कुछ तुम वर मांगो, तुम कुछ मुझसे वस्तु मांगो, देव मांगो मन भावत आली, तुम्हारे मन में जो बात आ रही है जो भी तुम्हें इच्छा है मांग लो, मैं बहुत खुश हुई मैं तुम्हें दे दूंगी। तो यहां देखिए कैकेयी का कितना सुंदर भाव था है ना, लेकिन भावना केवल सुंदर होने से नहीं होता, एक्शन भी सुंदर होने चाहिए। यहां पर कैकेयी जो है वो मिस्टेक कर रहे थे एक जो है एक टॉक्सिक विशियस पर्सन को अपने बहुत क्लोज सर्कल में लाने से उनको बहुत दिक्कत होने वाली है आगे। तो कैसे बोल रहे हैं आगे कैकेयी समझाती है कि कौशल्या सम सब महतारी, कि ऐसा नहीं है कि राम केवल कौशल्या को मां मानते हैं, जितनी भी महतारी हैं जितनी भी माए हैं यानी तीनों माए उनको कौशल्या के समान ही राम प्रेम करते हैं है? और राम का तो सबसे प्रेम है, सहज प्रेम है ना, और मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। तो मैंने ये, और ऐसा नहीं कि मैं केवल थ्योरेटिकली बोल रही हूं, मैं ऐसे ही बोल रही हूं, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, इतने सालों से वो हमारे साथ में है, यहां भगवान की उम्र 28-29 साल की हो चुकी है भगवान राम की, तो जरूर उन्होंने कई बार कुछ ऐसी चीजें की होंगी जिससे उन्होंने चेक किया कि राम मुझे उतना ही प्रेम करता है कि नहीं जितना कौशल्या करता है, तो राम हमेशा खरे उतरे होंगे। तो यानी कैकेयी को बहुत भरोसा था कि राम कभी हमें धोखा नहीं देगा, राम तो हमेशा हमारा ही बेटा है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो बोल रहे हैं कि आगे कैकेयी बोलते हैं कितनी अच्छी बात कि देखो विधाता तो मुझे ये करे कि मैं चाहती हूं अगले जन्म में, अगर मेरे को अगला जन्म होता है तो राम मेरा पुत्र बने और सीता मेरी बहू बने। देखिए कितना सुंदर भाव था उनका कि राम और सीता तो मेरे खुद के पुत्र और पुत्र वधु के समान है, और मेरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय मुझे राम है ना, मेरे प्राण चले जाए लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो तुम इतनी अच्छी बात बोल रही हो तिलक की, तो इसमें दुख की क्या बात है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तो ऐसे बोल रही हो। तो फिर जो है वो डायरेक्ट पूछने लगी कि तुम्हें भरत की सौगंध है, मुझे डायरेक्ट बताओ, घुमा फिरा के मैं बताओ कि क्या हुआ है, क्या बात है कि इस खुशी में भी तुम दुख मना रहे हो, इसका क्या कारण है। तो फिर मंथरा बोलने लगी कि कहती हैं पहले बताती हैं जैसे एक ये भी एक हम देखते हैं कई बार विक्टिम कार्ड खेलने का लोग बहुत काम करते हैं, मतलब अगर उनके साथ कुछ चीज बुरी हुई है, मान लो नेचुरली उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो अपने गलत विचारों को अपने गलत कार्यों को भी वो उन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के द्वारा जो है एक्सेप्टेड कि विधाता ने तो हाय हाय मुझे कुरूप बनाया है, मेरा तो रूप भी सुंदर नहीं है, चलो वो तो जो है सो है, लेकिन अब क्या, अब विधाता मेरे साथ ऐसा भी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बोलती है कि देखिए अब जो है मंत्रा ये बताना चाह रही है कि कैसे वो इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है, जब कोई व्यक्ति न्यूट्रल होकर कोई एडवाइस देता है तो उसकी बात का वजन बढ़ जाता है ना, जैसे एक जज है एक कोई जो न्याय करते हैं वो दोनों के लिए समान होते हैं, तो इसलिए जज की बात पर लोग भरोसा करते हैं ना। तो यहां मंथरा बोल रही है कि कोई भी राजा बने मेरे को क्या हानि है, भाई अगर भरत राजा बने कि राम राजा बने इससे मेरा थोड़ी ना कोई नुकसान है, क्यों कि चेरी छाड़ी अब होई की रानी, ऐसा तो नहीं है कि मैं दासी का कार्य छोड़ के मैं रानी बन जाऊंगी, तो नथिंग टू लूज फॉर मी, मेरा कोई लॉस नहीं है, यानी इनडायरेक्टली क्या बोल रही है, तुम्हारा सब कुछ लॉस है, तुम्हारा बहुत कुछ जो है वो खतरे में है। वही बोल रही है कि मैं तो आज भी
राम राजा बने तू भी मैं, भरत राजा बने मैं भी तू दासी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे लिए वो एक बात नहीं है। वो ये कहना चाहती है कैसे कि वो बोलती है, हाँ तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये यहां पर गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं और अन्य भी बहुत सारे रामायणों में कमेंट्रीज में बताया गया है कि ये एक बहुत बड़ा गलती थी यहां पर केकई की, कि जिस मंथरा को वो खुद जो है जानती है कि वो कपटी है और जो है जिसका चरित्र उतना अच्छा नहीं है, उससे अगर आपको किसी चीज की वो किसी और को बोला सकते वो नहीं किया, ऐसे जो है हमारी बुद्धि मारी जाती है कि हम जो मैनिपुलेशन जो लोग करते हैं या जो लोग टॉक्सिक होते हैं, जो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस गिराना चाहते हैं, हम उनकी बात को बड़ा सत्य माने लगते हैं। वो कह रहे कि नहीं तुम्हारे से होगा ही नहीं, तुम्हारे अंदर ये क्षमता ही नहीं है, तो हम उनकी बात को दिल पे ले लेते हैं। अरे किसी वेल विशर से, किसी न्यूट्रल व्यक्ति से तो पूछो कि बात जो बोल रहा है इसमें दम कितनी है, है ना। तो यहाँ पर ये मंत्रा से बहुत केके से बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हैं कि रानी जो है बार बार सम्मान के साथ है ना पूछ रही थी कि क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसी क्या बात हुई है। तो फिर मंत्रा जो है बताना शुरू करती है कि देखो मैं जो है मैं भी सीताराम को बहुत प्रिय करती हूँ, प्रिय सी रामो कहा तुम रानी। मैं राम और सीता पे कोई मेरा मेरा विश्वास की कमी नहीं है, उनको तो मैं बहुत प्रेम करती हूँ, और राम को भी तुम प्रिय हो, ये बात भी सही है। आवाज नहीं आ रहा आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रहा है। ओके तो देखो अगेन यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्टली सीताराम को हिट नहीं किया, तो देखो ऐसे ही होता है। बेबी देयर समथिंग, अरे वो अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे से आवाज आ रही है, उनको मैसेज कर दो राम को कि कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ। एनीवे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे देखिए कोई फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले इस्कॉन में घटना हुई है ना, इस्कॉन पटना में कुछ दुर्घटना हो गई है ना, तो जो व्यक्ति बस बैठे हैं कि भाई कोई गलती हो और वो बात का बतंगड़ बढ़ाए, तो जो गलत हुआ है उस पर पॉइंट आउट नहीं करेंगे, जो इनडायरेक्टली, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कैकेयी का जो राम के प्रति प्रेम है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो इनडायरेक्टली उसको डिस्टर्ब किया जाएगा, है ना, किसी दूसरी तरफ से जाके डिस्टर्ब किया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे कुछ ऐसे कन्विक्शन है, हमारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, उसको कोई हो सकता है डायरेक्टली डिस्टर्ब ना करे, है ना। चलो चलो अगर आप वेजिटेरियन, अगर आप डिवोटी हैं, आपको बोले चलो आके मिलके अंडा खाते हैं या बीफ खाते हैं, तो उसको पता है वो ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि आप नहीं मानोगे, तो वो कुछ ऐसा बोलेगा जो इनडायरेक्ट आपको धीरे धीरे वहां तक ले जा सके, है ना। स्लो पॉइजन, इसको कहते हैं स्लो पॉइजनिंग, एकदम से नहीं मार के धीरे धीरे मारना। तो यहाँ पर मंत्रा भी यही कह रहे हैं कि मैं तो राम को बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वो दिन अब बीत गए, अब जो है समय कितना बलशाली है कि अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी शत्रु बन जाते हैं, है ना। तो फिलॉसफी सही फिलॉसफी है, लेकिन फिलॉसफी का रॉन्ग यूज है ना, इनकरेक्ट उसका यूजेज यहाँ पर वो कर रही है। तो कैसे एग्जांपल दे रही है, एग्जांपल भी दे रही है कि देखो सूर्य जो है वो कमल का पालन करता है, आप लोग जानते हैं कि लोटस जो है उतना ज्यादा कमल समृद्ध होता है, उतना ज्यादा बढ़ता है, फ्लरिश होता है, नहीं, लेकिन जब पानी समाप्त हो जाता है, यानी अगर उस तालाब का पानी समाप्त हो गया, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तो फिर वही सूरज उस कमल के पेटल्स को, उनके जो पत्ते हैं उसको जो है नष्ट कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है, यानी इनडायरेक्टली क्या बोल रही है कि जो सूर्य, यहाँ पे सूर्य का एग्जांपल दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी इंटेलिजेंट लेडी है। आई मीन एग्जांपल भी किसका दिया, सूर्य का दिया, क्यों दिया कोई बताना चाहेगा व्हाई, वो बहुत सारे एग्जांपल दे सकती थी हजारों, पर सूर्य का ही एग्जांपल क्यों दिया है कोई बताना चाहेगा, इनव्यूट करके फटाफट। सूर्य वंश है इसलिए। हाँ वेरी गुड,
कि जैसे सूर्य उस कमल रूपी सुंदर से मुलायम मासूम पुष्प को बढ़ाता है, लेकिन जब उसका पानी समाप्त हो जाता है तो वही सूर्य उसको भस्म कर देता है, ऐसे ही ये सूर्य कुल के जो नेता है, सूर्य कुल के जो स्वामी है दशरथ, जो तुम्हारा पालन कर रहे हैं, जो तुम्हें बड़ा प्रेम करते थे, अब जब तुम्हारी सुंदरता चली गई, अब जब तुम वृद्ध हो गई, अब तुम्हारी जब जरूरत नहीं रही, तो अब तुम्हारे प्रति वो कठोर बन गए। कितनी मतलब बुद्धिमानी वाली बात है ना, एग्जाम्पल भी सही, क्योंकि ये केवल माता सरस्वती कर सकती है। तो फिर आगे बोलती है, तुम सोचती हो कि राजा तुम्हारे बस में है, राजा तुम्हारी तुम जो बोलोगे वो कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका केवल मन जो है वो मीठा है, लेकिन मन, लेकिन उसका मन, तो यहां आप देख सकते हैं, सोचिए आपका पति है, आपकी पत्नी है, उसके बारे में कोई दासी, कोई थर्ड क्लास का व्यक्ति आपके पति या पत्नी के बारे में अनाप शनाप बोले जा रहा है, लेकिन आप सुन रहे हो, यानी इसमें आपकी गलती है, आपका ट्रस्ट नहीं है अपने अपने लाइफ पार्टनर की तरफ, और इसलिए ये आपका जो लैक ऑफ ट्रस्ट है यही आपके रिश्ते के बर्बादी का कारण बनेगा। क्यों आप ये मंथरा से पूछ रहे हो, डायरेक्ट जाके दशरथ से पूछो कि क्या बात है, मेरा पुत्र यहाँ पे नहीं है, क्यों यहाँ पे अभी क्यों किया जा रहा है रास्ते तक, वो डायरेक्ट पूछ सकती थी, लेकिन यही लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों पूछूं, उन्होंने क्यों नहीं पूछा, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो भारी पड़ने वाली है, फिर आगे जो है कौशल्या, क्योंकि अभी तो कौशल्या वीक पॉइंट है, उसको पहले बुलाना है, क्योंकि पति के प्रति तब भी थोड़ा बहुत तो भरोसा रहेगा, पर को वाइफ यानी सौतन के प्रति तो ना के बराबर रहेगा। तो देखो यहाँ पर बोलती है कि जो राम की महतारी है कौशल्या, तो बड़े चालाकी से यहाँ पे राम के महतारी शब्द यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो, साधारण हर व्यक्ति अपने बच्चे के प्रति ज्यादा बायस रहता है जनरली। भाई अगर मान लीजिए एक बड़े फैमिली में, कंबाइंड फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में जो है बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जिस अपने स्वयं के बच्चे के प्रति व्यक्ति जो है ज्यादा बायस्ड होता है, उसके प्रति उसका ज्यादा झुकाव होता ही है सामान्य तौर पे, कोई बहुत महान व्यक्ति तो अलग बात है, अदरवाइज रहेगा, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसको उन्होंने पकड़ लिया कि ये जो राम की महतारी है कौशल्या, ये जो है उसने मौका मौका देख के चौका मार दिया, उसने मौका देख के चौका मार दिया। कैसे? उसने पठे भरत भूप ननिहारु, भरत को तो ननिहाल भेज दिया, मामा क्या भेज दिया, कुछ दिन पहले दशरथ ने बुलाया था भरत को और शत्रुघ्न को कि देखो अपने मामा जी के यहाँ जाओ, हमारा कुछ संदेशा लेके जाओ, अब वहां कुछ दिन रहना। भरत को नहीं, उस समय नहीं पता था दशरथ को कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने भेज दिया। अभी उसी बात को जो है ये कह रही है कि ये राम की माता के कहने पर ही दशरथ ने किया है। और फिर आगे बोलती हैं कि वो कहती हैं कि हाँ राजा तुम पर विशेष प्रेम करते हैं, करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो तुम्हारा विशेष प्रेम था, कैसे राजा तुम्हारा थे, ये बात कौशल्या को मनी मन ये बात उसको चुभ रही थी, और आज उसने ये जाल रचा है, उसने आज ये पूरी षड्यंत्र रचा है, और भरत की अनुपस्थिति में कि भरत को बिल्कुल नजरअंदाज करके उसको जो है राज तिलक करा लिया है। और आगे बोलती है कि राम को तिलक दिया ये तो ठीक है, ये रघुकुल के लिए उचित है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कौशल्या ने षड्यंत्र करके बहुत गलत किया। कुछ वर्सेस छोड़ के दादा बता रहे, समय थोड़ा कम है। फिर बोलती है कि देखो मुझे एक बार अगर कौशल्या राजमाता बन जाएगी, तो अभी फिर से कौशल्या को पॉइंट को हिट कर रही है कि देखो अभी तो तीनों वाइफ हैं, तीनों जो है रानियां हैं इस अयोध्या राज की, लेकिन आगे चल के अगर राम राजा बनते हैं तो उस राजा की जो माता है वो सारे सारे राज्य की रानी, टाइटल तो कौशल्या को ही मिलेगा, वो तो कौशल्या को ही मिलेगा, और तुम जो है कहीं साइड में हो जाओगी, तुम और तुम्हारा जो बालक है भरत उसको साइड कर दिया जाएगा, उसको कोई मंत्री मंत्री भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि मंत्री बनाना होता तो कल तो राज तिलक है, मंत्रिमंडल का भी कल जो है चर्चा होनी चाहिए थी कौन कौन मंत्री बनेंगे,
तो ये तुम्हारे साथ देखो किस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और फिर बहुत ही ज्यादा को बढ़ाने वाली बात बोलती है कि और मैं तुमको बता दूं, कई बहुत बड़ी बात तुमको बता दूं, पिछले कई दिनों से ये काम चल रहा है। तो मंत्रा ये बोलती है, क्योंकि रानी पहले के जमाने में क्या होता था कि रानियों या बड़े बड़े जो इस तरह की सेठानी लोग हैं उनके खुद के महल होते थे। आज भी अगर आप अयोध्या धाम जाएंगे, जो लोग अयोध्या गए हैं उनको पता होगा, कैकेयी का अलग से महल था, सीता का अलग से महल था, है ना, उनके बड़े बड़े महल होते थे। तो उनको ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, उनकी दासियां वगैरह सब अरेंज करती थी, महलों के अंदर बड़े बड़े गार्डन वगैरह सब रहते थे, उनको ज्यादा बाहर जरूरत नहीं पड़ती थी जाने की। तो यानी बहुत दिनों से कैकेयी शायद बाहर नहीं गई होंगी। तो ये बोलती है पिछले कई दिनों से, 10-15 दिन से ये तैयारी चल रही है। बताओ 10-15 दिन से अयोध्या में सजावट हो रही है, तैयारियां चल रही है, और तुम्हारा पति तुमको आके बोला भी नहीं। तो यहां पर साफ सफेद झूठ बोल दिया गया। आज सुबह ही डिस्कशन मैंने यहां पे झूठ बोल दिया। तो यानी अपने बात को सच करके, जो मैनिपुलेटिव पर्सन है, टॉक्सिक पर्सन है, वो कुछ भी बोल सकता है, फैक्ट्स को भी ऊपर नीचे कर सकता है ना। जो हमारी गलती नहीं भी है वो भी हमारी गलती करवा सकता है। तो ये कितना खतरनाक, वाणी की शक्ति कितनी खतरनाक है, शब्दों की शक्ति, है ना। तो फिर आगे बोलती है कि ये सब बातें करके जो है वो उनको कन्विंस करने में जो है वो सक्सेसफुल होती है। तो फिर आखिर में क्या क्या बोलती है, आखिरी पॉइंट बोल के मैं समाप्त कर रहा हूं, बोलती है कि हाँ अब कैके को भी धीरे धीरे शक होने लगता है। तो इसलिए कहते हैं, एक फिलोसफर का कोट था कि इफ द लाई इज टोल्ड सफिशिएंट टाइम्स इट अपीयर्स टू बी ट्रुथ। किसी झूठ को अगर हजारों बार बोल दिया जाए तो वो झूठ भी सत्य लगने लगता है। अगर आप एक बार लोगों से सुनोगे या बार बार सुनोगे तो आपको भी कन्विंस हो जाओगे शायद ये भी सही होगा, इतने लोग क्यों झूठ बोलेंगे, है ना। ये ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए बहुत हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए किस तरह का हमारा एसोसिएशन है। तो कह के बोलती है मंत्रा को, हाँ तेरी बात सही है, तू जो बोल रही है मुझे लग रहा सही है, मेरी दाई आंख भी फड़क रही है। तो यार हम अंधविश्वासों को भी इसमें जोड़ लेते हैं। अब आंख फड़क रही होगी किसी कारण से तो वो भी, हाँ हाँ शायद तू बोल रही सही है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाली है लाइफ में, और मुझे बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। तो होता क्या है, हमारा मन का ये नेचर क्या है कि हम 2-3 डॉट से एक पूरी पिक्चर बना लेते हैं। जैसे बचपन में एक गेम होता था, बचपन में हम लोग जो ड्राइंग बुक्स होती थी उसमें लिखे रहते थे 0.1, 0.2, 0.3, है ना, सबने किया होगा बचपन में। और आपको 1 पेंसिल लेने को 4 से जोड़ना है ना, कोई घर बन जाएगा, है कि नहीं। तो वो सारे कनेक्ट करके डॉट्स आप एक पिक्चर बनाते थे, है ना। लेकिन अगर आपके पास 2 या 3 ही पॉइंट है, आपके पास सारा पॉइंट्स नहीं है, तो आपको पिक्चर नहीं बनानी चाहिए, आपके पास पूरी स्टोरी तो है ही नहीं, आपको वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है कैकेयी का पेशेंस जवाब दे गया, उनका धैर्य जवाब दे गया, और उन्होंने 1-2 बात सुन के कि हाँ 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 शायद तुम सही बोल रही हो, अब वो जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा था उससे इसे कनेक्ट करने लगी आर्टिफिशियली। कैसे, हाँ मेरी आंखें भी फुटफुट रही है, शायद ऐसा ही होगा, अरे कल मैंने बुरा सपना देखा था, हाँ वो भी इस कारण से होगा। तो ये मूर्ख व्यक्ति की ये पहचान है कि कहीं की भी बात कहीं को भी जोड़ लेना, हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, वो भी ऐसी कारण से हुआ होगा, अज्यूम पे अज्यूम करते जाना और हर चीज को उसी उसी स्टोरी का पार्ट मान लेना कि हाँ यही सबका कारण है। तो ये मूर्ख व्यक्ति की पहचान होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, सफिशियंट साक्ष्य एविडेंस का वेट करना चाहिए। और अभी देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी, वो जो दासी है जो कुल घातनी है, कुल को विनाश करने वाली है, आज यहां पर कैकेयी उस मंत्रा को बोलती है सखी। सखी मतलब प्रिय दोस्त, यानी उसको आपने उसने दोस्त बना लिया, तो बस अब तो आपका बंटाधार निश्चित है। अगर ऐसा व्यक्ति आपका दोस्त बन गया, जिगरी दोस्त बन गया, तो अब क्या होगा। तो बोलती है कहा करो सखी शुद्ध स्वभाव, मैं कि मेरी प्यारी मंत्रा मेरा स्वभाव तो बहुत सीधा है, मैं बहुत सीधी सादी स्त्री हूं, मैं नहीं समझ पाती संसार के ये कॉम्प्लेक्सिटीज को, मेरे को नहीं समझ में आता, है ना। लेकिन मैं तेरे प्रति बहुत रेडी हूं, मैं तेरे प्रति बहुत ग्रेटफुल हूं कि तूने ये बात मुझे बता दी, है ना। तो उल्टा जो हमारा नुकसान कर रहा है उसके प्रति उसके
ये देखिए भगवान की माया कितनी शक्तिशाली है, जो हमारा दुश्मन है उसको हम दोस्त मान लिए, है ना। तो ये हमारा मंत्र हमारे जीवन में एक रियल पर्सन भी हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है। जैसे हम देखते हैं मीडिया पे कई बार हमारे धर्म को, हमारे फेथ को, हमारे देवताओं को, हमारी परंपराओं को बार बार ऐसे ऐसे लॉजिक लगा के बताया जाता है कि आपकी कन्विंस हो जाएगा यहां से गलती है, ये करना ही नहीं चाहिए, है? या फिर वो हमारा मन भी हो सकता है, हमारा मन तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ही, अनकंट्रोल लगा है तो पता नहीं कहां कहां की बात बना के, हाँ, और हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम लोग बिल्कुल जो है होपलेस हो जाएं, है ना। तो इस प्रकार से मंत्रा जैसे लोग अंदर और बाहर दोनों हमारे जीवन में है, कैसे हमको वो पकड़ करते हैं। तो मंथरा फिर बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी बहुत रेडी हूँ, चल के पता नहीं कौन सा श्लोक है, मैं डायरेक्टली आपको बोल देता हूँ। बोलती है मंथरा, इस समय पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा मेरा हितेशी कोई नहीं है। देखो मतलब कितनी जल्दी उसको उसकी प्रमोशन हुआ है, पहले दासी थी, फिर थोड़ी इंटीमेट दासी हुई, मतलब 15 मिनट के अंदर, 15-20 मिनट में ऐसा उसको उसने जो है माइंड वॉश किया, ब्रेन वॉश, सरस्वती की शक्ति है माता सरस्वती की, पहले दोस्त बनाया, सखी बनाया, अभी नंबर वन वेल विशर कि तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है, ना भरत, ना मेरे पति, और ना ही कोई और, मतलब भरत से बढ़ के भी ये हो गई। तो देखिए ऐसे काम करती है संसार की माया, कितनी शक्तिशाली है ना। तो आदमी जो है अपने परिवार को, अपने गुरु को, अपने भक्तों को, अपने भगवान को भी भूल जाता है, इतनी शक्तिशाली माया है। तो फिर बोलती तुम मुझे बताओ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तो मंथरा अब उसके हाथ में, अब कब्जे में करके कहिए, बोलती है मैं जैसा बोलू वैसा करो तो तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं होगा, है ना। तो फिर बड़ा चढ़ा के बात को पेश करना, क्या मैं ऐसी बात बोलूंगी कि तुम रानी, तुम जो है राजमाता बनोगी और कौशल्या जो है वो दुख में चली जाएगी। बोले हाँ क्या क्या है बताओ क्या करना है। तो बोलती है कि तुम्हें याद है जब तुम जवान थी और तुमने दशरथ को रथ चला के उसकी, जब दशरथ क्या है देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की तरफ से युद्ध लड़े थे, बहुत सारे बड़े बड़े युद्ध उन्होंने लड़े हैं, तो एक बार बहुत वो घायल हो गए थे और उनका जो सारथी वारथी भी शायद घायल हो गया था या मर गया था जो भी है, तो ये इन्होंने खुद जाके उनका रथ चलाया, उनकी हेल्प की, उनको बचाया। तो उस समय दशरथ ने कहा था कि मेरी प्रिय कैकेयी तुमने तो मेरे प्राण बचाए हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कैकेयी, नहीं मुझे क्या चाहिए, आपने तो मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी राजा बोले नहीं 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 नहीं, नहीं तुम मांगो मांगो कुछ तो मांगो। बोली नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे तो अभी जरूरत नहीं है। तो फिर दशरथ ने भी लिमिट क्रॉस करते हुए बोल दिया कि ठीक है भविष्य में तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो दो वचन में तुमको, तुमसे, तुम्हें उधार ये तुम्हारे सामने रखता हूं, तुम्हें जो मांगना हो मांग लेना। तो देखिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी इतना ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए। कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, वो तो ठीक है लेकिन कभी बहुत भारी पड़ जाता है, अभी रियल में ब्लाइंड कर देगा, दशरथ की मृत्यु का कारण बनने वाला है ये सो कॉल्ड लव। तो उन्होंने जो है उनको बोल दिया कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो, ऐसे नहीं बोला जी, देयर हैज टू बी सम रिस्ट्रिक्शन, सम थ्रेशोल्ड, क्या ये मांगना है ना, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी मांग लो। तो यहाँ पर वो बात मंत्रा ने याद दिलाई, क्या याद है तुमको, तो अब वो दो वचन मांगने हैं। बोले क्या मांगने हैं। बोले जिस ऑर्डर में मैं बोल रही हूँ उसी ऑर्डर में मांगना, ऑर्डर को चेंज मत करना। बोले हाँ नहीं नहीं, तुम जो बोलोगे वैसे ही करोगी। बोले पहला तुम मांगना कि, यहाँ पर है क्या श्लोक, पढ़ लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, वो शायद नेक्स्ट चैप्टर में, तो नहीं मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। पहले उसने बताया तुम क्या करना, तुम कोक भवन में चले जाना, ये वो आप जानते होंगे, वो कभी और हम चर्चा करेंगे। फिर आप मांगना ये कि पहला वचन मांगना कि भरत को राजा बनाया जाए। तो ये सुन के दशरथ को थोड़ा मतलब धक्का लगेगा, थोड़ा वो सरप्राइज होंगे, फिर भी वो मान जाएंगे क्योंकि उनको भी पता है कि राम जो है इतना ज्यादा उनको कोई ऐसा मोह नहीं है राज्य का। तो दशरथ को राजा बनाने वाली बात तो ठीक है, वो तो मान भी जाएंगे। दूसरा ये होगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष राम वनवास पे जाएंगे। ये तुम पहले मत बोल देना, क्योंकि अगर तुमने पहले बोल दिया कि राम को वनवास दे दो तो दशरथ उस बात को सुन के ही बेहोश हो जाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही, वो बेहोश हो जाएंगे और दूसरी बात तुम बोल ही नहीं पाओगी। इसलिए पहले जो कम खतरनाक बात है वो पहले पूछ लेना, बोल देना, और जो ज्यादा खतरनाक है वो बाद में बोल देना। तो ऐसे करके मंत्रा का उन्होंने, मंत्रा ने उसका सर्वनाश कर दिया, और जो है तो, लेकिन ये
लीला के दृष्टिकोण से ये होना जरूरी था, है ना, ये होना जरूरी था, तभी भगवान राम बाहर जाएंगे और तभी तो स्टोरी आगे बढ़ेगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहता तो फिर रावण का वध कैसे होता। तो अपना अपना रोल सब लोग निभा रहे हैं, तो कैकेयी भी अपना रोल निभा रही है, भगवान की भक्त है, उनको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। शी डिड व्हाट शी डिड, पर हाँ उससे हम लेसन ले सकते हैं। तो ये लेसन ये है कि टॉक्सिक व्यक्ति से अगर हम दूर रह सकें तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, दूर रहो तो बहुत अच्छा। अगर नहीं रह सकते तो कहते हैं कि बी इन्वॉल्व बट डू नॉट एसोसिएट। जैसे कि हम कहते हैं कि जो कमल है, कमल गंदे पानी में उगता है, तो उस कमल को जिंदा रहने के लिए उस पानी में रहना पड़ेगा, उस गंदे तालाब में रहना पड़ेगा। ऐसे हमको जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दुनिया के सब लोगों से मिलना पड़ता है, परिवार में भी कई बार कोई रिश्तेदार है, कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जिनके साथ हमें मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, फिर प्रेजेंट तो रहना ही पड़ता है किन्हीं कारणों से, भले ही वो टॉक्सिक होते हैं। तो ठीक है, बी देयर जैसे कमल रहता है, बट डोंट गेट एसोसिएट मत करो। एसोसिएट का मतलब क्या है, उनकी किसी भी बात को सीरियसली मत लो ऑन द फेस वैल्यू। मतलब अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको बड़े केयरफुली एनालाइज करो। जो आपका ट्रस्टवर्दी, आपका रियल वेलविशर है, आपके माता पिता है, आपके गुरुजन है, उनसे क्लैरिफाई कराओ कि ये व्यक्ति ऐसी बात बोल रहा है, क्या ये मेरे सही है, क्या उसका ये अजम्पशन सही है, क्या उसके ये पॉइंट सही है, है ना। तो ये अगर हम स्क्रीन लगा के रखेंगे, फिल्टर ला के रखेंगे, तो वी कैन बी फाइन। और कोई व्यक्ति ऑफकोर्स अगर लिमिट क्रॉस कर रहा है तो फिर तुमको फिजिकली भी दूर रहना पड़ेगा, है ना। तो इस संसार में रहते हुए भी हम लोग शांति से रह सकते हैं, खराब लोगों के बीच भी रह सकते हैं, अगर हम अपनी चेतना कृष्ण में लगा के रखें, राम में लगा के रखें। क्योंकि ठीक है, ये सब नाटक नौटंकी करके जाना तो राम के पास ही है, कृष्ण के पास ही है। तो अगर मन कृष्ण में लगा हुआ है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मन कृष्ण में नहीं लगा हुआ है तो हम उसकी बात को बहुत सीरियसली ले लेंगे। इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, इसने मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र कैसे कर दिया, इसने मेरी बैक बैटिंग कैसे कर दी, मेरे पीछे ऐसी बातें क्यों बोल दी, है ना। अगर हम, हमारा कृष्ण कॉन्शियस मन थोड़ा बहुत भी कृष्ण कॉन्शियस बन गया तो हम बोल सकते हैं कि चलो टेम्पररी दुनिया है, कुछ सालों की तो हम लोग के यहाँ एग्जिस्टेंस है, मैं तो कृष्ण के पास ही हमको जाना है, 10-20 साल 50 साल का ये संबंध है या फिर ये अंडरस्टैंडिंग है, तो ठीक है, किसी ने कुछ बोल भी दिया, अगर हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो ठीक है, जाने दो, इट्स फाइन। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, है ना। ठीक है, सो हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इट वाज सच अ नाइस सेशन, आई कुड रिलेट थिंग्स मतलब फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ। मेरा जस्ट इसमें एक ही क्वेश्चन था कि मंथरा ने जो ये सब चीजें बोला, इससे उसका क्या हित था इन सब चीजों में? हाँ, तो मंथरा जो है वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा मेंशन है कि देवताओं के द्वारा जानबूझ के भेजी गई थी, मतलब उनका मिशन ही ये था कि लाइक एजेंट ही थी वो देवताओं की, कि राम को वनवास हो ताकि वो अल्टीमेटली देवताओं का जो काम है यानी असुरों का संघार, रावण का संघार कर सकते। तो शी वाज एन एजेंट ऑफ द देवतास। और अगर मानवीय दृष्टि से देखा जाए कि इसका क्या फायदा था, बस घृणा। अगर उसको जो सरस्वती ने जो बुद्धि फेरी है तो कौशल्या के प्रति घृणा थी, है ना, तो बस उसको वो पूरा कर रही थी। बाकी उसका पर्सनल कोई ऐसा फायदा नहीं, ऐसा ये भी था कि हमारी मालकिन रानी बन जाएगी, है ना, तो हमारी मार्केट रानी बनेगी तो हमारा भी फायदा है, वो भी एक पॉइंट है। भाई किसी को पता है कि मैं किंग नहीं बन सकता, तो मेरा वाला कोई पति किंग बन जाए तो मुझे उसका फायदा हो जाएगा, तो वो भी है एक रीजन। बाकी अल्टीमेटली तो सब ये देवी देवताओं, इस चैप्टर का नाम ही है सरस्वती द्वारा मंत्रा का बुद्धि फेरना। तो सरस्वती जी ने अगर कुछ सोच लिया तो वो तो होगा ही, तो बुद्धि की देवी है। तो प्रभु जी, क्या हम ये भी बोल सकते हैं जो विकेट पीपल होते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं जो अपनी बातों से खेलते हैं, तो उनके पास वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है ताकि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके? हाँ, जो कुछ भी व्यक्ति की बात पटता है, अगर किसी के अंदर अच्छी बोलने की क्षमता है तो वो माता सरस्वती का उस पर आशीर्वाद है। तो माता सरस्वती कोई बुरे लोग को आशीर्वाद क्यों दे रही है? कोई पुराने कर्मों के कारण, कोई कर्मफल किसी के अच्छे हैं और अगर वो उन कर्म फलों से अच्छा वक्ता बनना चाहता है तो उसको वो कृपा देवी देवता गण जो होते हैं वो बाउंड होते हैं लॉज ऑफ नेचर के द्वारा, वो प्रकृति के नियमों को तोड़ नहीं सकते। तो आप देखिए, कहते हैं कि एडोल्फ हिटलर इतना अच्छा वक्ता था, इतना अच्छा स्पीकर था कि पूरी जो बर्लिन की सड़कें हैं भर जाती थी,
50-60 लाख लोग आते थे उसको सुनने के लिए, तो वो बोल कह रहा है ये जूस बुरे लोग हैं, ये इन्होंने जीसस को मारा, इनको मार दो, ये हमारे दुश्मन, सब फालतू बातें बोल रहा है, लेकिन लोग हाँ हाँ 50-60 लाख लोग जय जयकार कर रहे हैं, है ना। तो उसके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी, अभी भी उसके वीडियोस यूट्यूब पर हैं, बड़ी एनर्जी से बोल रहा है, बड़ा जबरदस्त स्पीकर था वो। नहीं तो उसको भगवान ने या देवी देवताओं ने इतनी क्षमता क्यों दी? अगर वही बात है कि हम अपने कर्म के द्वारा हमें रिसोर्सेस मिल सकते हैं, अब उस रिसोर्सेस का हम कैसे यूज करेंगे हमारे ऊपर है। जैसे बैंक ये नहीं बोल सकती अरे इस व्यक्ति का चरित्र खराब है, इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए इसको मत दो, उसको पैसे हैं तो बैंक को देना पड़ेगा। अब वो उसका चाहे प्रसाद बांट के दुनिया का उद्धार करे, चाहे वो सिगरेट पिए और चाहे आतंकवादियों के साथ कुछ गड़बड़ कर दे, वो पैसे का उपयोग दुरुपयोग फ्री विल उसके हाथ में है। तो ऐसे देवी देवता जो है बाउंड होते हैं कि कर्म के अनुसार लोगों को उनको इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ मंत्रा का या जो भी इस तरह का व्यक्ति है वो हाँ दे हैव दैट डिजायर और फिर दे हैव दिस एबिलिटी देवताओं की तरह दी गई, इसमें कोई डाउट नहीं। भगवान के या देवताओं के द्वारा दिए बिना तो किसी को क्षमता नहीं मिल सकती। ओके राकेश प्रभु ने अच्छा पॉइंट बोला है, मैं आपको सीरियसली नहीं लेता हूँ। हाँ ये एक रिपोर्टर को उन्होंने बोला था, ये सही बात है, ऐसे हमको भी बोलना चाहिए। कोई रिपोर्टर है हमको भड़का रहा है, कोई व्यक्ति हमको भड़का रहा है, हाँ तो आप भड़काते रहिए, हम आपको सीरियसली नहीं लेते। सही बात है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एनीवन एल्स? जगन प्रो का क्वेश्चन है कि अगर सब कुछ 3 गुणों से हो रहा है तो हम तो डूअर है ही नहीं, तो फिर नीचे क्या है, सब कुछ तो प्रीडेस्टाइंड है, तो एक अलग टॉपिक हो गया। सब कुछ 3 गुणों से नहीं हो रहा है, ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, कुछ वीक्स पहले भी किए थे। हर कुछ फिक्स नहीं है, नॉट एवरीथिंग इज डेस्टाइंड, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डेस्टाइंड। संस्कृत में शब्द आता है प्राय, इवन ओडिया में भी शब्द है प्राय, है ना, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, प्रभुपाद ने बोला ऑलमोस्ट ऑलवेज। तो ऑलमोस्ट हर चीज फिक्स होती है, लेकिन सब कुछ नहीं। आपके पास विविध चेष्टा, आप क्या प्रयास करेंगे आपके हाथ में, यानी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आती है वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके पुराने कर्मों के अनुसार आपके साथ सिचुएशन होती है। जैसे अगर मैंने 20 साल तक सिगरेट फूकी है, मैंने सिगरेट फूकी, अब मुझे कैंसर हो गया, तो अब उसका मैं अभी कुछ पुराना तो कुछ नहीं कर सकता, कैंसर तो हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं और सिगरेट फूकूंगा या मैं एक रिफॉर्म का जो पेन है, मैं अपनी बुरी आदत से हटने का जो जिनकी जो डिसिप्लिन चाहिए, जो पेन चाहिए, वो मैं करूंगा और कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगा, वो तो मेरे हाथ में है अभी भी। तो ऐसे ही 3 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ गुणों के हाथ में नहीं है। अल्टीमेटली आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल नेचर की है, वो मटेरियल नेचर से बढ़ के, लेकिन क्योंकि अभी वो हम मटेरियल नेचर को अपने बॉडी को अपना रियलिटी मानते हैं, इसलिए हम फंस गए, है ना। तो 3 गुणों के अनुसार सब कुछ नहीं होता, पर प्राय सब कुछ होता है, ऑलमोस्ट कुछ चीजें हमारे हाथ में अभी भी हैं। ठीक है, एनीवन एल्स? आशुतोष ने हाथ ऊपर कर रखा है, बोलो आशुतोष अनम्यूट करके। और किसी का कुछ प्रश्न है, कोई कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहे? हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये कि अगर कोई भक्ति मार्ग में कृष्ण कॉन्शियसनेस में है तो भी क्या सरस्वती उसका दिमाग फेर सकते हैं? हाँ यहाँ पर तो हुआ ना, केकई के साथ, केकई तो कृष्ण भक्त थी, वो तो राम भक्त है ना, फिर भी उनका दिमाग, लेकिन ये जो है ये तो भगवान की पर्सनल लीला है, लेकिन सामान्य तौर पे माता सरस्वती ऐसा नहीं करेंगी, है ना। लेकिन हाँ देयर कैन बी अ वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, तो ऐसा हो सकता है, बट हाँ, बट जनरली ऐसा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो तंत्र मंत्र होते हैं, जितने भी लोअर विद्याएं हैं, है ना, जो तंत्र होते हैं, ये जो वशीकरण है ना, ब्लैक मैजिक वाली चीजें होती हैं, तो जो भी व्यक्ति सत्वगुण में है, डिवोटी तो बहुत जोड़ की बात है, कोई सत्वगुण में भी है, सुबह उठता है, नहाता है, भगवान को प्रणाम करता है, थोड़ा बहुत मंदिर जाता है, उस पर भी तंत्र काम नहीं करता नॉर्मली, और डिवोटी भी तो करेगा ही नहीं, है ना। तो
वैसे ही आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हो एक सिंपल डिवोशनल लाइफस्टाइल से। लेकिन अब ये तो सटल चीज है, ये तो बुद्धि को फेरना तो देवताओं के हाथ में है, पर जनरली वो नहीं फेरते। व्यक्ति हमारी बुद्धि पहले से फेरी हुई है, और क्या फेरना है, मतलब हमारी बुद्धि क्या कोई फेरेगा, हम तो पहले से बुद्धि फेरी हुई है। अभी मरे हुए को क्या मारना है, कहते ना मरे हुए को क्या मारेंगे। वैसे ही कलयुग में आदमी मरा हुआ उस मोह माया में वैसे ही पड़ा हुआ है, थोड़ी बहुत 1% भक्ति भी नहीं कर पाता, उसको क्या देवताओं का नहीं क्या जरूरत है, हम तो खुद ही फंसे हुए है ना। ठीक है, शीर्षक का क्वेश्चन है कि ज्यादा दिन टॉक्सिक लोगों के साथ रहने से डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, और टॉक्सिक लोग लाइफ में सफाई भी सफल भी होते हैं। तो क्वेश्चन है कि ज्यादा लोग टॉक्सिक, ज्यादा समय टॉक्सिक लोग के साथ रहने से बिल्कुल असर तो पड़ेगा ही है ना, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो जैसा हमने कहा, अगर आप उनके साथ दूर रह सकते हैं तो वो करिए, अगर आप फिजिकली उनसे दूर रह सकते हैं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। जानबूझ के ऐसे एसोसिएशन में मत जाइए जहां पे खतरा है, जहां आपकी कॉन्शियसनेस डाउन होगी। ये तो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है ना भाई, जानबूझ के रात में अगर आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे चोर डाकू रहेंगे तो लुटोगे ना, तो मत जाओ जानबूझ के। तो लेकिन कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हम वहां से नहीं हट सकते है ना, तो अपनी कॉन्शियसनेस को हमें बहुत केयरफुली लेना होगा कि उस व्यक्ति को अगर हमने आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति टॉक्सिक है, तो हम उसकी बातों को बहुत फिल्टर करें, बिल्कुल भी इसको ब्लाइंडली ना माने है ना, और अंतर मन में जो है अपने भजन को, अपनी कृष्ण भक्ति को बढ़ाएं। जितना भक्ति मजबूत होगी उतना ज्यादा किसी की बात का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जहर, जहर हमें मार देता है। तो ये मेरे पास एक ग्लास है, इस एक ग्लास में मान लो दूध है, तो दूध तो अमृत की तरह होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर इसमें किसी ने एक बूंद जहर डाल दिया तो ये पीने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक समुंदर के समान दूध हो, दूध का समुंदर हो, तो उसमें कोई एक बूंद क्या एक पूरी टंकी में डाल देगा तो समुंदर में कुछ नहीं होगा है ना, क्योंकि वो बहुत विशाल है। तो ये एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में, जितनी हमारी चेतना विशाल होती जाएगी उतना कोई हमें गाली दे दिया, कोई हमारे बारे में बुरा बोल दिया, कोई हमारे बारे में बैक बाइटिंग कर रहा है, वो चीज उतना अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग एक बड़े समुंदर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, हमारा हमें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम कृष्ण रूपी समुंदर से कनेक्टेड नहीं है, अगर हम अपनी अपनी खुद की पर्सनल एबिलिटीज पर डिपेंडेंट है, तो हमारे एबिलिटीज तो लिमिटेड है, किसी की गिलास के समान होगी, किसी की बड़े बर्तन के समान होगी, तो फिर वो जहर अपना असर दिखाएगा है ना। तो कहने का मतलब, जितना आप कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण नाम लेंगे, कृष्ण कीर्तन सुनेंगे, भक्तों के बीच में रहेंगे, अभी दामोदर मष्टकम चल रहा है, दामोदर महीना चल रहा है ना, सब लोग दामोदर मष्टकम को जरूर करिए है ना, तो उतना आसान हो जाएगा। ओके सो डू इट। चलिए अब आखिरी एक दो लेके टाइम हो रहा है। विदाउट एनी स्टेबिलिटी इन लाइफ इज इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस प्योर स्पिरिचुअलिटी? इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस प्योर स्पिरिचुअलिटी सडनली। एक कहावत है बंगाली में, अति भक्ति चोरा लक्षण। कोई सडनली बहुत ज्यादा भक्ति दिखाने लगे, मतलब गड़बड़े, जैसे मैं बोलूं, कोई बच्चा अभी स्कूल में एडमिशन लेने आया है, 15-20 दिन पढ़ाई करा है, और अभी वो अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह जो है क्वांटम मैकेनिक्स और जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हायर एकदम फिजिक्स की बात करने लगे, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम। तो हमारी स्पिरिचुअलिटी अभी प्योर नहीं हो सकती, एक्सटर्नली प्योर हो सकती है, मतलब हम चार नियम पालन करें, जानबूझ के कोई पाप ना करें, मतलब हम जानबूझ के किसी को दुख ना पहुंचाएं, ये हम डे वन से कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी प्योर डिवोशन में नहीं आ पाएंगे, प्योर भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्योर भक्ति, भक्ति जो है मन की बात है, भावना की बात है, और हमारी भावनाएं पवित्र नहीं है। हम बहुत ज्यादा सेल्फिश लोग हैं, हम लोग सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, मैं और मेरा अहम, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा देश, मैं और मेरी नौकरी, ये हमारे अंदर इतना कूट के भरा, इतना डीप है कि हम भगवान की चेतना से दुनिया को हम नहीं देख पाएंगे भी। भगवान दुनिया को ऐसे नहीं देखते, मैं और मेरा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का ही है। तो वो पवित्र भावना जो है बहुत समय लगेगा उसको होने में, तो वो धीरे धीरे ही हो सकता है। तो हमें ये पहले ही तो ये समझना पड़ेगा, प्योर भक्ति वी कैन नॉट डू, वी कैन नॉट बिकम प्योर डिवोटी सडनली। कोई अगर ऐसा क्लेम कर रहा है तो वो झूठ है, वो हमें धोखा दे रहा है ना। प्योर भक्ति बहुत साल, बहुत डिकेड्स, बहुत लाइफ भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकते हैं उसको प्राप्त करने में। ओके, तो इफ देयर इज गॉड इन एवरीबॉडी,
So why people act as cruel over normal people and spiritual people always face difficulty? Hari Prasad Pro का question है कि अगर सब में भगवान है तो जो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार क्या करते हैं? ये तो मैं आपसे कह रहा चाह रहा हूँ, जो सच में ये मानता है, देखिए जानना अलग बात होती है और मानना अलग बात होती है। लोग पूछते हैं क्या तुम भगवान को मानते हो, ना केवल हम भगवान को मानते हैं भगवान को जानते हैं, तो ये एक दोनों अलग चीज है। जो सच में मानता है कि हाँ कृष्ण भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है, तो वो जानबूझ के किसी को कष्ट नहीं देगा। लेकिन समस्या ये कि बहुत लोग इस बात को जानते हैं पर फॉलो नहीं करते। तो वही बात है कि स्पिरिचुअलिटी केवल दिखाने से नहीं हो सकती, ये अंदर की बात है, इट्स ए इंटरनल साइंस। तो इसलिए कोई बाहरी दृष्टिकोण से हम पहचान नहीं सकते कोई व्यक्ति भक्त है कि नहीं। कोई धोती कुर्ता पहन रहा है या साड़ी पहन रहा है या तिलक लगा रहा है या कंठी लगा रहा है या बाल कम है या दाढ़ी ज्यादा है, उससे आप नहीं बता सकते कि व्यक्ति क्या है। जैसे रावण, रावण ने भी साधु का वेश बना के क्या किया, किडनैप किया। तो बाहरी दृष्टिकोण से हम नहीं बता सकते कौन कितना स्पिरिचुअल है, उसके व्यवहार से ही पता चलेगा। तो जो व्यक्ति दूसरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, मान ही लीजिए कि वो अच्छी भक्ति नहीं करता, वो कोई खास भक्त नहीं है, उसका अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो व्यवहार अच्छा होना इस मस्ट होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो यानी इसकी भक्ति नहीं है, है ना। गुड, नौटंकी ज्यादा हो रही है, भक्ति कम। ओके, इज इट फेयर टू यूज द मैनिपुलेटिव टेक्निक्स ऑफ मंत्रा इन डे टू डे लाइफ फॉर गुड कॉज? बोल रहे हैं कि मंत्रा की तरह जो मैनिपुलेटिव चीजें हैं क्या हम गुड कॉज के लिए कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड कॉज? ये जो गुड है ये केवल हम डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। देयर हैज टू बी हायर सैंक्शंस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो हमारा ये जो गुड है इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय दी गुरु और दी आचार्यस, है ना। कोई ये नहीं बोल सकता हाँ इस्कॉन को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये करने जा रहा हूं, लेकिन वो आप सोच रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं आप इससे बहुत नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे गुरु महाराज भक्ति शर्मा महाराज एग्जाम्पल देते थे कि जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते थे, ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक मेलबर्न टेम्पल या सिडनी टेम्पल में नाम भूल गया, तो वहां पास में एक गार्डन था, तो वो गार्डन गवर्नमेंट का जो है गार्डन है, तो वहां पर फूल तोड़ना मना था। पर एक डिवोटी थे, वो सोचते थे हम तो कृष्ण के लिए फूल तोड़ रहे हैं, कोई अपने लिए तो नहीं तोड़ रहे, है ना, तो क्या जरूरत है भगवान का ही, ये सारा दुनिया भगवान की, गार्डन भी भगवान का है, तो भगवान के लिए तो हम फूल तोड़ ही सकते हैं। तो वो जो है छुपा छुपा के फूल तोड़ते थे। तो एक दिन उनको किसी ने देख लिया और पुलिस में कंप्लेन हो गई, तो अब बहुत सारा फाइन भरना पड़ा और मंदिर का नाम भी खराब हो गया कि इस्कॉन के भक्त जो है ये सरकारी इससे फूल चुरा रहे हैं। तो महाराज ने उनको समझाया कि तुम जो सोच रहे थे कि तुम भगवान का पैसा बचा रहे हो, मंदिर का पैसा बचा रहे हो, है ना, लेकिन हुआ क्या, उल्टा मंदिर को बहुत ज्यादा फाइन देना पड़ा, उल्टा नाम खराब हो गया। तो आपकी इंटेंशन ठीक हो सकती है लेकिन आपका एग्जीक्यूशन भी सही होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि गुड हर जगह मैनिपुलेट, तो इसलिए प्रायः मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, इमरजेंसी ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, तब तक डिवोटी को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए और जितना हो सके ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, जितना हो सके, है ना, ये जरूरी है। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में मैनिपुलेटिव बन सकते हैं। अब किसी की जान पे आ गई है तो फिर मैनिपुलेटिव बनना पड़ेगा, है ना, या फिर कोई बहुत क्रिटिकल लीड है ना, तो फिर मैनिपुलेटिव बनना पड़ेगा, है ना, तो वो ठीक है, पर नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं बनना चाहिए। अब आप मान लीजिए आपके प्लेन को हाईजैक कर लिया आतंकवादियों ने, तो आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, झूठ बोलना ही पड़ेगा, हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास या यहाँ पर जो है कोई पुलिस वाला नहीं है, पता चले आप भी पुलिस वाले हो, तो झूठ बोलना पड़ेगा वहां, क्योंकि वो ग्रेटर कॉज के लिए। आप अगर आप भारत के एजेंट हो, आप रॉ के एजेंट हो, आप पाकिस्तान में गए हुए हो, अपने देश की तरफ से आप वहां पर एस्टेब्लिश्ड हैं, तो आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, मैनिपुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक हायर रीजन है। लेकिन हाँ, तो वही जो है ना, वो हायर रीजन जो है सेल्फ ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत टाइम हो गया तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। सब लोग दामोदर एष्टकम जरूर कीजिएगा अपने अपने घरों में।